हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक हमारे देश में मिरेकल होने जा रहा है। आई एम सेड मिरेकल बिकॉज आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर मोदी जी, हमारे आदरणीय मोदी जी ने एक अनाउंसमेंट किया, और इस अनाउंसमेंट को देख के मैं मिरेकल ही कहूँगा, क्योंकि उन्होंने अनाउंसमेंट किया 5 अप्रैल को हम 9 बजे अपने घरों की सभी बत्तियाँ जो हैं, वो लाइटें जो हैं वो बुझा दें, और हम दिया या मोबाइल लाइट या कोई टॉर्च यूज़ करते हुए एक लाइट को करें, सो दैट एक सेंट्रलाइज हम लोग बैठ सके और सेंट्रलाइज तरीके से, एक वो कहते हैं ना, पॉजिटिव एनर्जी हमें जनरेट हो सके कि हमें एक दूसरे के साथ हैं, बीइंग ए फैमिली और बीइंग ए सोसाइटी और बीइंग ए नेबर हम और बीइंग ए कंट्री हम एक दूसरे के साथ हैं। इसी दौरान एक मिरेकल होने जा रहा है इंडिया में। क्यों मैं बार बार कह रहा हूँ मिरेकल मिरेकल मिरेकल, बिकॉज मैं एक चमत्कार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको पता है हमारे इंडिया में जो पावर सप्लाई है वो पावर ग्रिड करता है, और पावर ग्रिड के ऊपर ऑलरेडी जो लोड है वो बहुत कम चल रहा है। इस टाइम जो है हमारे पास जो लोड है वो है 49.7 हर्ट। व्हाई एम सेइंग 49.7 हर्ट, बिकॉज हमारी 50% से ज़्यादा इंडस्ट्रीज क्लोज है। मैं आपको इसको बड़े आसान शब्दों में समझाना चाहूँगा। होता क्या है कि जो हमारा पावर ग्रिड का एक लोड होता है वो स्पेसिफिकली डिसाइड होता है, और जब हम पावर ग्रिड के एक टावर को लगाते हैं तो उस टाइम हम उसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो एक सेट करके रखते हैं। सपोज कीजिए, मैं आपको इस तरीके से डिफाइन करवाता हूँ। आप ये ले लीजिए, ये एक पावर ग्रिड है, यहाँ पे एक बिजली बनाने वाला पावर ग्रिड है, ये मतलब पावर ग्रिड से यहाँ पे बिजली बन रही है, जो कि हमारे न्यूक्लियर प्लांट से बन सकती है, या फिर हो सकता है हमारे कोल प्लांट से बन रही हो, विंड एनर्जी से बन रही हो, या कोई भी एनर्जी सोर्सेज ले लीजिए। वहाँ पे हमने एनर्जी यहाँ से डेवलप की, और अब हम क्या करते हैं कि ये एनर्जी इस प्लांट से, इस टावर से लेके इस टावर तक हमें पहुँचानी है। बट इसमें जो वायरिंग है और इसमें जो ऑटो स्विचर और प्रोसेसर्स यूज़ किए जाते हैं उनकी फ्रिक्वेंसी सेट होती है ऑलरेडी, और जो ये फ्रिक्वेंसी होती है ये होती है 48.5 हर्ट टू मैक्सिमम जो होता है इनका 51.5 हर्ट। आप इसको इस तरीके से ले लीजिए, जो आपका फ़ोन का चार्जर आता है, एक बेसिक जो नॉर्मल चार्जर होता है, ये जो चार्जर होता है जिस तरीके से इसमें एनर्जी फिक्स होती है कि हम लोग 250 वोट का ही कैपेसिटी का चार्जर लेते हैं, अगर 250 वोट से कम एनर्जी हुई, जैसे 200 वोट से नीचे एनर्जी जाएगी तो ये आपके फ़ोन को प्रॉपर तरीके से चार्ज नहीं करेगा या ये सप्लाई छोड़ देगा, या फिर 300 वोट से ज़्यादा सप्लाई होगी तो भी ये पावर को कट मार देगा, सप्लाई नहीं करेगा, या हो सकता है ये उड़ जाए। ठीक है, ये डिफॉल्ट इसमें होता है, तो ऐसी एक प्रॉब्लम आती है। सेम प्रॉब्लम पावर ग्रिड के साथ भी होती है। अब होने क्या जा रहा है कि 5 अप्रैल को हम 9 बजे पावर कट कर लेंगे। जैसे ही हमने पावर को कट किया, सडनली हमने एक पावर कट किया, और पावर को कट करते के साथ ही पहले से जो हमारा लोड है जो होना चाहिए 51.5 मैक्सिमम, जैसे बोलते हैं जनरल इंडिया में जो लोड चलता है वो 51.3 के हट के आसपास चलता है, अब वो लोड और ज़्यादा कम होने जा रहा है। और ये स्थिति जो बनती है इससे क्या हो सकता है कि आपको इंजीनियर्स को क्या हेडेक होने वाली है कि उस लोड को कैसे झेलें, जो मतलब पहले ही कम पे चल रहा है, 49 पे चल रहा है, और उसको अब 48 से भी डाउन, मीन्स आप कितने पावर प्लांट्स को ऑफ करना है या उसकी प्रोडक्शन को स्लो करना है या क्या करना है, ये एक हेडेक वाला चीज़ है। और जो हमारे इंडिया में जो पावर प्लांट है, जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट हुआ, कोल पावर प्लांट हुआ, ये दोनों पावर प्लांट मैक्सिमम साइज में है, और इन दोनों पावर प्लांट में जो एक बार स्विच ऑफ करके उसको स्टार्ट करना, स्विच ऑफ किया देन स्टार्ट किया, वो हमारी गाड़ी की तरह नहीं है स्टार्ट हो गया जस्ट इट्स ओके, उसमें स्टीम बनती है, उसमें स्टीम बन के उसका प्रोडक्शन होने में और उसको फाइनल स्टेज तक पहुंचाने में इट्स टेक टाइम, जनरली इट्स टेक 2 आवर टाइम टू स्टार्ट ए न्यूक्लियर प्लांट और एक कोल प्लांट 3.7 का एक रेशो है, तो आपको इतना टाइम लगना है। और ऐसा नहीं है हम अपने घर पे 9 बजे पावर को ऑफ करेंगे और हम कहेंगे जी ठीक है 9:30 हो गए अब हम पावर को ऑन कर रहे हैं, तो वो जरूरी नहीं है कि हमारी पावर वापस आ जाए। उसी चीज़ से बचने के लिए हमारे इंजीनियर्स को काफ़ी सारी मेहनत करनी पड़ेगी। इस बार ऐसा नहीं होने वाला कि दोस्तों आप आइए ताली बजाइए और हो गया,
नॉट जस्ट लाइक दैट, इस बार बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है कि इंजीनियर्स को कैसे कट ऑफ करेंगे करने वाले हैं। सेकेंड थिंग हमें सोचने की बात है कौन कौन से राज्यों में, जनरली होता क्या है कि एक स्टेट जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करता है, फिर वो पावर ग्रिड को सप्लाई देता है, वो पावर ग्रिड डिसाइड करता है कि कहाँ कहाँ कितनी इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट होनी है, उसी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के थ्रू उसमें स्विचर्स ऑटो कटर्स लगे होते हैं जो कि डिसाइड करते हैं कि किस टाइम पे क्या फ्रिक्वेंसी जाएंगी। जनरली हमारे इंडिया में जो है वो 15 मिनट का एक ब्लॉक होता है, 15 मिनट के ब्लॉक्स पे हम पावर सप्लाई का काउंट करते हैं, और ये 96 ब्लॉक्स होते हैं पूरे डे के अंदर जिसमें हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया होता है। कोई भी पावर प्लांट 96 ब्लॉक्स चेंज सिस्टम पे काम करता है और उसी ब्लॉक में वो डेली सप्लाई देता है उसी ब्लॉक की फ्रिक्वेंसी के अकॉर्डिंग। अब वो जो ब्लॉक्स हैं उसमें अब सोचिए 15 मिनट के अंदर अंदर गड़बड़ होने वाली है, और ये जो गड़बड़ है वो राज्य कैसे झेलेंगे, जो स्टेट है सपोज करो हरियाणा ने बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन करके रखी हुई है और वो इलेक्ट्रिसिटी चल रही है, वो फ्रिक्वेंसी चल रही है, अचानक से क्योंकि हमारे पास 50% लोड पहले ही स्पेयर में चल रहा है, रीज़न क्या है कि हमारी इंडस्ट्रीज बंद है, तो और उसमें और ज़्यादा लोड कम आ जाना मीन्स मेरा जो पर्सनल आइडिया है और जितने लोगों से मेरी कन्वर्सेशन हुई है अभी तक, मेरा आइडिया हम लोगों का ये आइडिया है कि ये जो लोड है राइट नाउ, क्योंकि हमारे एसी फैंस वगैरह तो सब चल ही रहे होंगे, हम सिर्फ लाइट ऑफ करने वाले हैं, तो बट उस लाइट ऑफ का भी इतना असर पड़ने वाला है कि ये लोड 46.7 पे एक एवरेज मानी गई है कि इस एवरेज में जा सकता है, तो उसको कैसे मैनेज किया जाएगा ये एक बहुत बड़ा टास्क है। आपने 2012 का सिनेरियो देखा था, 2012 में जो ब्लैकआउट हुआ था वो इसी रीजन से हुआ था, क्योंकि कुछ जगहों पे पावर सप्लाई की कंजप्शंस का फर्क आया और हमारी एक टावर ने ब्लैकआउट किया, तो एक स्विचर जब आपका प्रोसेसर ख़त्म हुआ स्विचर ने जब कट मारा तो ब्लैकआउट हो जाता है, तो एक स्विचर ने कट मारा, फिर उसके बाद दूसरे को ओवर लोड गया तो वो 51.5 से ज़्यादा था, तो जो 51.5 हर्ट्ज़ से ज़्यादा था तो वहाँ पे भी कट हुआ, फिर हमने नेपाल से सप्लाई ली, फिर हमने भूटान से हेल्प ली, फिर हमने बांग्लादेश से हेल्प ली, देन जाके हम लोग 24 आवर्स इस प्रॉब्लम में रहे, और आई थिंक दिल्ली में तो 48 आवर्स से ज़्यादा टाइम लग गया था, और पूरे वर्ल्ड में न्यूज़ थी कि इंडिया में ब्लैकआउट हो चुका है, तो ऐसी सिचुएशन होने वाली है, तो देखते हैं क्या सिचुएशन निकल के आती है। मैं तो उम्मीद यही कर रहा हूँ कि मोदी जी ने बहुत सारे प्लानिंग जरूर की होगी इसके बारे में, क्योंकि मोदी जी से बेस्ट लीडर अभी तक मैंने, क्योंकि मैं मेरी ज़्यादा नहीं है बट हाँ 35 ईयर ओल्ड में इतना मैंने एक्सपीरियंस किया है, मोदी से बेस्ट लीडर मैंने अभी तक नहीं देखे, तो उन्होंने कुछ ना कुछ प्लानिंग जरूर की होगी, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि मिरेकल होने जा रहा है, और ये सोचने वाली बात है कि हम उसको कैसे कंट्रोल करेंगे, हम कितने वाटर प्लांट्स हैं, क्योंकि वाटर प्लांट्स मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से इलेक्ट्रिसिटी प्लांट होते हैं जो जल्दी यूज स्टार्ट कर देते हैं। वाटर प्लांट्स जो हमारे होते हैं, क्योंकि सोलर और विंड एनर्जी पावर प्लांट्स को हम लोग ऑफ नहीं कर सकते, वो कंटिन्यूसली जैसे चल रहे हैं वैसे चलेगा, उसका जैसे हम ये कर सकते हैं जैसे प्लग निकालने वाला जस्ट कटआउट, ठीक है वो हम जरूर कर सकते हैं, न्यूक्लियर को हम ऑफ नहीं कर सकते, कोल प्लांट को हम ऑफ नहीं कर सकते, 5 मिनट हो 10 मिनट हो या 2 घंटे हो हम ऑफ नहीं कर सकते, क्योंकि इंडिया में ब्लैकआउट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे अगर हम कोल प्लांट और न्यूक्लियर प्लांट्स को बंद करते हैं। तो हमारे पास जो बंद करने वाले जो बेसिकली प्लांट्स हैं वो है वाटर एनर्जी, वाटर प्लांट्स को हम बंद कर सकते हैं, ठीक है, और गैस प्लांट्स को भी हम बंद कर सकते हैं, क्योंकि गैस प्लांट क्विकली स्टार्टअप हो जाता है, तो एक वो चीज़ ऑप्शन हमारे पास है, और हम अलग अलग स्टेट्स को ये ऑफर भी कर सकते हैं जैसे स्ट्रीट लाइट्स वगैरह को ऑन करना, या फिर जो भी स्टेट मैक्सिमम साइज में पावर को कंज्यूम कर सके वो अलग अलग स्टेट उस पावर को कंज्यूम कर लें, तो देखते हैं क्या होने वाला है, और मैं यही कहूँगा कि कुछ अच्छा हो और पूरा वर्ल्ड हमसे सीख सके, ऐसा कुछ हो तो वो भी मज़ा आएगा, और आप मुझे बताइएगा कमेंट में कि ये वीडियो कैसा लगा, क्योंकि अब मैं फ्री हूँ और कुछ इसी तरीके का आइडियाज़ पे वीडियोज़ बनाना भी चाह रहा हूँ, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जस्ट कमेंट मी, और आपकी इस बारे में क्या राय है ये जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मैं जानना चाहूँगा इंडिया की क्या राय है, और पॉजिटिव नेगेटिव वो भी, और एक चीज़ और रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती है, हमारा प्राइम मिनिस्टर गलत नहीं है, हमारा प्राइम मिनिस्टर बहुत बड़ा लीडर है, पूरा वर्ल्ड उसको मानता है,
आप भी उसकी रिक्वेस्ट को मानिए। उस बंदे ने हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट किया, इतने बड़े आदमी ने, एक प्राइम मिनिस्टर आपके सामने हाथ जोड़ चुका है अपने, जबकि आप उसकी फैमिली के मेंबर हैं और एक फैमिली का करता धरता आदमी, जो कहते हैं ना हमारे घर में जो लीडर होता है, जो सबसे बड़ा होता है, वही आपके सामने हाथ जोड़ चुका है कि प्लीज़ घर में रहिए, क्योंकि आप घर में रहेंगे तभी आप कोरोना से लड़ पाएंगे। और एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, आपसे ज़्यादा दुख हम इवेंट वालों को हो रहा है। हम इवेंट वालों की तो मतलब मैं मान रहा हूँ बहुत लंबे टाइम तक समस्या खड़ी रहनी है, क्योंकि इवेंट इंडस्ट्री बहुत लंबा संकट है हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री पे। पर फिर भी हम आपसे ये कहेंगे कि प्लीज़ स्टे एट होम। अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो हमारी इंडस्ट्री भी जल्दी चलेगी, और आप स्वस्थ रहेंगे तो आपकी नौकरियाँ भी जल्दी बचेगी, क्योंकि आपका स्वस्थ रहना ही दूसरे आदमी को स्वस्थ रखेगा। क्योंकि आपने अगर अमेरिकन न्यूज़ चैनल्स आरटी अमेरिका की न्यूज़ रिपोर्ट्स को अगर आपने ध्यान से देखा हो, तो उनकी प्रोडक्शन करोड़ों में है, इंडिया में करोड़ों के हिसाब से ये वायरस फैलेगा। अगर आपको बचना है तो प्लीज़ 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 स्टे एट होम। कुछ भी हो जाए मत जाइए, प्लीज़।